नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता रानी। दुनिया को अपनी सटीक भविष्यवाणियों से अचंभित करने वाले फ्रांस के महान भविष्यवक्ता मिशेल दी नास्त्रोदमस इकलौते ऐसे इंसान नहीं थे जो भविष्य में झांक सकते थे, बल्कि बुल्गेरिया के रहने वाली बाबा वेंगा भी अपने अंधेपन में भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते थे। और उनकी भविष्यवाणियों पर तब दुनिया को यकीन आया जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने और फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। उन्होंने अपनी 5079 भविष्यवाणियां की, जिसमें साल 2020 को लेकर भी कई भयानक भविष्यवाणियां हैं जो कि भारत से भी जुड़ी है। क्या पीएम मोदी इस साल बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को रोक पाएंगे? क्या कहती है भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों से कांप उठेगी धरती। दुनिया में मचेगी उथल पुथल। इंसान पर फूटेगा कुदरत का कहर। धर्म के आधार पर बटेगा देश। साल 2020 दुनिया के लिए कैसा रहेगा, इस बात के संकेत भविष्यवक्ता नास्त्रोदमस की द प्रोफेसिस किताब में मिलता है, जिसमें उन्होंने साल 2020 को विनाशकारी बताया है। नास्त्रोदमस की माने तो साल 2020 में दुनिया युद्ध के मुहाने पर होगी, गृह युद्ध जैसे हालात पनपेंगे। वहीं भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां भी नास्त्रोदमस से काफी मिलती जुलती है। 50 सालों में अपनी दैवीय शक्ति के बलबूते पर बाबा वेंगा ने करीब 5079 भविष्यवाणियां की, जिसमें उन्होंने कहा कि साल 2023 में धरती की कक्षा में बदलाव होगा, साल 2025 में यूरोप की आबादी करीब करीब शून्य हो जाएगी, साल 2033 में पृथ्वी के बर्फ की विशाल परत गल जाएगी, वहीं 2044 में यूरोप में पूरी तरह से इस्लामिक खिलाफत कायम हो जाएगी। वहीं जब साल 2020 को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सामने आती हैं, तो आम से खास हर कोई दिलचस्पी लेने लगता है। बाबा वेंगा ने कहा था कि साल 2020 में धर्म के आधार पर दुनिया को विभाजित करने का प्रयास किया जाएगा, ये एक बड़ा खतरा होगा। बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणियों को अगर भारत से जोड़कर देखें तो धर्म के आधार पर साल 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था और अब एक बार फिर विभाजन के मुहाने पर आ गया है। भारत से घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए मोदी सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून का लागू किया। सरकार को विरोधियों से लेकर मुस्लिम समाज का विरोध झेलना पड़ा। शाहीन बाग से लेकर पश्चिम बंगाल, देश के कोने कोने में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून को एंटी मुस्लिम बताकर देश को तोड़ने की आवाज उठने लगी है। असम को हिंदुस्तान से अलग करने की नापाक रणनीतियां बन रही हैं। तो वहीं साल 2020 को लेकर बाबा वेंगा ने प्राकृतिक आपदाओं की ओर भी इशारा किया। बाबा वेंगा की माने तो जो तबाही सुनामी ने दुनिया में मचाई, ठीक उसी तर्ज पर यूरोप से लेकर एशिया में कुदरत का कहर बरसेगा। नतीजन कोरोना वायरस की महामारी ने चीन समेत दुनिया भर में आतंक मचाना शुरू कर दिया है। वहीं भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। आखिर कौन थे बाबा वेंगा, जिनके भविष्यवाणियों में प्रिंसेस डायना की मौत से लेकर सुनामी जैसी घटनाओं ने हकीकत का रूप लिया? क्या बचपन से ही बाबा वेंगा अंधी थी? आखिर कैसे एक तूफान ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी और कैसे उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का एहसास हो जाता था? साल 1911 में बुल्गेरिया में जन्मी वेंगलिया पांडेवा को तब एक नया नाम मिला जब उनकी आंखों ने भविष्य देखना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि महज 12 साल की आयु में बाबा वेंगा की जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसमें उनकी आंखें चली गईं। रहस्यमय तूफान के बाद जब वो मिली तो उनकी आंखों में मिट्टी भरी पड़ी थी। उसके बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो भविष्य की घटनाओं को देख सकती है। कहते हैं ना कि अगर ऊपर वाला किसी से कुछ छीन लेता है तो उसके बदले कुछ देता भी है। लोगों की माने तो बाबा वेंगा की आंखों की ज्योति चले जाने से उन्हें अपनी दैवीय शक्तियों का एहसास हुआ, उन्हें भविष्य नजर आने लगा, जिसकी मदद से वो जरूरतमंदों की मदद करने लगे
और आज बाबा वेंगा अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए जानी जाती हैं, जो कि 1996 में 85 साल की उम्र में बाबा वेंगा की मौत हो गई, लेकिन उससे पहले वो देश दुनिया से जुड़ी 5079 भविष्यवाणियां कर चुकी थी, जो कि अब सच साबित होती दिख रही हैं। तो भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की कई ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है एलियंस के साथ मिलकर इंसान पानी के नीचे एक रिहायशी बस्ती बसाएगा, टाइम ट्रैवल संभव हो पाएगा, यूरोप और एशिया के लोग मिलकर इंसान की एक नई प्रजाति बनेंगे, मंगल ग्रह पर युद्ध हो जाएगा और अंततः दुनिया का अंत हो जाएगा। भले ही बाबा वेंगा की इन भविष्यवाणियों पर कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन ताजुब की बात है कि उनकी कई ऐसी भविष्यवाणियां भी हैं जो आखिरकार सच साबित हुई हैं। दुनिया के ताकतवर देश अमेरिका और रूस, ताकतवर देशों के ताकतवर राष्ट्र अध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिसको लेकर 450 साल पहले मिशेल दी नास्ट्रोडमस ने बड़ी भविष्यवाणियां की, जिसकी तर्ज पर बाबा वेंगा की भी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जो शायद दोनों मुल्कों के नागरिकों को पहचाना इतना आसान नहीं। बाबा वेंगा की माने तो साल 2020 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ने वाला है। वो ब्रेन ट्यूमर का शिकार हो सकते हैं, जिसके चलते उनकी जान को भी खतरा है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन को भी कोई मारने की कोशिश करेगा। अमेरिका में इस साल जहां राष्ट्रपति चुनाव है, जिसमें ट्रंप एक बार फिर अपनी जीत का दावा करेंगे, तो वहीं पुतिन हैं जो पांचवी बार रूस की कमान संभाल रहे हैं। आज के हालातों को देखते हुए बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों पर संदेह करना लाजमी है, लेकिन जो लोग रहस्यवाद में विश्वास करते हैं वे अभी भी बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में यकीन रखते हैं। उनकी भविष्यवाणियों की वजह से उन्हें बालकन का नास्त्रदमस कहते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी बाबा वेंगा की भयानक भविष्यवाणियों को रोक सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अराजक तत्व मुल्क में देश के टुकड़े टुकड़े होने की बात करते हैं, भारतीयों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है, क्या उसे पीएम मोदी रोक पाएंगे? भविष्य में आप देश को, भारत को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर गति तेज न होती तो 2 करोड़ घर नए नहीं बनते गरीबों के लिए। अगर तेज गति नहीं होती तो लंबे अरसे से अटके हुए दिल्ली की 1700 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां, 40 लाख से अधिक लोगों की जिंदगी जो अधर में लटकी हुई थी, वो काम पूरा नहीं होता। आज उन्हें उनका अपने घर का हक भी मिल गया। माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर नॉर्थ ईस्ट की भी चर्चा हुई है। नॉर्थ ईस्ट को कितने दशकों तक इंतजार करना पड़ा। वहां पर राजनीतिक समीकरण बदलने का सामर्थ्य इतनी सिटी नहीं है, और इसलिए राजनीतिक तराजू से जब निर्णय होते रहे तो हमेशा ही वो क्षेत्र उपेक्षित रहा। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट वोट के तराजू से तोड़ने वाला क्षेत्र नहीं है। भारत की एकता और अखंडता के साथ दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हुए भारत के नागरिकों के लिए और उनके सामर्थ्य का भारत के विकास के लिए उपयुक्त उपयोग हो, शक्ति उनकी काम आए, देश को आगे बढ़ाने में काम आए, इस श्रद्धा के साथ, वहां के एक एक नागरिक के प्रति अपार विश्वास के साथ आगे बढ़ने का हमारा प्रयास रहा है, और इसी के कारण नॉर्थ ईस्ट में
गत 5 वर्ष जो कभी उनको दिल्ली दूर लगती थी,